लक्समबर्ग में जाना चाहते हैं। लक्समबर्ग कितना महंगा होगा, फ्लाइट कैसे चीप आपको मिल सकती है, होटल अकोमोडेशन कहाँ ढूंढी जा सकती है, कॉस्ट क्या होगी, या फिर ट्रैवल करना कितना महंगा हो सकता है, और फूड का बजट कितना हो सकता है। दोस्तों अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आप कहाँ जाए ऑटम में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है। आप सबको पता है कि आप अगर यूरोप में हैं तो आप किसी भी 26 कंट्रीज़ में घूम सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। तो आज मैं एक ऐसी कंट्री की बात करूँगा जहाँ आपको जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट वहाँ ट्रैवल करना बहुत ईजी हो सकता है विद इन अ कंट्री। मैं बात कर रहा हूँ लक्समबर्ग की, जो बॉर्डर शेयर करता है बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी के साथ। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप माल्टा कैसे पहुंच सकते हैं, कौन कौन से वीज हैं, अगर आप फ्लाइट से जा सकते हैं तो कौन सी फ़्लाइट आपको सस्ती पड़ेगी, कहां से आप फ़्लाइट बुक कर सकते हो, फ़्लाइट का चीप रेट आपको कैसे ढूंढ सकते हो, कौन सी लोकेशन में आपको होटल लेना चाहिए, कौन सा होटल सस्ता है, कौन सा एक्सपेंसिव है, और आपको खाना कहाँ खाना चाहिए, कौन सी लोकेशन सस्ती पड़ेगी, आपको घूमना कैसे होगा, कैसे आप ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और ट्रैवल कितना सस्ता है या फिर कितना महंगा है, ये सब इन्फॉर्मेशन हम इस इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। आप पूरी प्रेजेंटेशन को अच्छे से ध्यान से चेक करिए। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन में कुछ कन्फ्यूजन है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं उसके ऊपर जो भी एक्सप्लेनेशन होगा देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है, कितने पैसे लग सकते हैं आपके, कहाँ कहाँ आपको पैसे की ज़रूरत है, कौन कौन सी लोकेशन ईजी है जाने के लिए ट्रैवल करने के हिसाब से। तो आप इस ब्लॉग को अच्छे से देखें। चलिए अब हम चेक करते हैं लक्समबर्ग कितना सुंदर है और कौन कौन सी प्लेसेस हैं जो आपको विज़िट करनी चाहिए। मैंने जहाँ डाले हैं कुछ वीडियोस में हमारे ट्रैवल ब्लॉग्स के, जहाँ जहाँ हमने घूमा था, आप चेक करिए। और अगर आपको कोई कमेंट है किसी लोकेशन की इन्फॉर्मेशन और फिर लोकेशन जाननी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हो। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन जितना जल्दी हो सकेगा देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।